चिल्ड्रन, आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में हम पेज नंबर 37 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पेज नंबर 38 करेंगे। पेज नंबर 38 पर है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें हमें क्या करना है, जो इनकी स्पेलिंग है उसमें हमें स्पेलिंग के बाद के लेटर्स भी लिखे हुए हैं। सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखकर इस स्पेलिंग को पूरा करना है। सबसे पहले आपको पिक्चर पहचान में आनी चाहिए। यदि पिक्चर पहचान में आ गई तभी आप कैपिटल लेटर लिख पाएंगे। जैसे ये किसकी पिक्चर है, क्या आप समझ पा रहे हैं? इग्लू। ये क्या है? इग्लू। ये है जार। ये है कैनल, जहाँ पर डॉग रहते हैं। ये है लूडो, जो आप खेलते हैं। तो ये सारी पिक्चर्स को आप पहचान रहे हैं। तो अब ये इग्लू है, तो इग्लू किससे शुरू होगा? आई से शुरू होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैपिटल आई लिखना है। क्या करना है? कैपिटल आई हमने कैसे लिखा था? ये कैपिटल आई, ठीक है। तो ये हो गया इग्लू की स्पेलिंग, हमने कंप्लीट कर ली। IGLOO, इग्लू, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर जो है ये है जार की। ये तो सभी के घर में होते हैं, मम्मी किचन में यूज़ करती है ना, बहुत सारे जार होते हैं उनको सामान रखने के लिए। तो जार, ज किससे शुरू हो रहा है? ज से। तो कौन सा इसका स्पेलिंग होगा? फर्स्ट वाला। और ये हम वैसे भी थ्री लेटर वर्ड में कर चुके हैं, JAR, जार। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? जे। तो जे जैसा कि आपको पता है फोर लाइन्स में आता है, तो इसे हमें देखना है कि हम कैसे लिखेंगे। ये JAR, जार। अब नेक्स्ट है कैनल, जहाँ पर डॉग्स रहते हैं उनके घर को कैनल बोला जाता है। क कैनल में आपको सबसे पहले क्या सुनाई आ रहा है? क। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? के। क्या बनाना है? इस बात का ध्यान रखें कि हमें स्मॉल लेटर्स नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर जो है वो उसका कैपिटल बनाना है। ये कैपिटल लेटर्स की बुक है और हम पीछे ये सब करते ही चले आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? कैपिटल के लिखना है। तो कैपिटल के कैसे लिखते हैं हम? ये और कैनल हो गया कंप्लीट। KENNEL, कैनल। तो ये कैनल हो गया। अब नेक्स्ट जो है लूडो। लूडो, ल। लूडो में सबसे पहले आपको क्या सुनाई दे रहा है? ल। ल मतलब एल। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? कैपिटल का सिर्फ एल लिखना है, सिंपल। ये है एल, LUDO, लूडो। आ गया समझ में? इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। सिंपल, सिर्फ आपको कैपिटल लेटर्स याद होना चाहिए, आई और जे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपका ये पेज जो है 38 पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम 39 पेज की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें इस पेज पर करना क्या है। आइडेंटिफाई द पिक्चर रिलेटेड टू द लेटर एंड देन सर्कल इट। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पर कुछ लेटर्स भी दिए हुए हैं। अब ये जो लेटर है वो किस पिक्चर को रिलेट कर रहा है? अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई। तो अब ये देखो यहाँ पर बनाना बना हुआ है, यहाँ आइसक्रीम है और ये पी है। तो बताइए कि आइसक्रीम आई से शुरू होगा कि बनाना आई से शुरू होगा? बनाना तो आई से शुरू नहीं हो रहा है ना, बी से होगा। तो हमें क्या करना है? आइसक्रीम, सिंपल। तो आइसक्रीम को हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई द पिक्चर। पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसको कि ये आई फॉर आइसक्रीम है। फिर उसको क्या करना है? रिलेटेड टू द लेटर देन सर्कल इट। अब इसे क्या करना है? हमें ऐसा सर्कल बना देना है कि, ठीक है। नेक्स्ट लेटर जो है वो देखो और ये पिक्चर्स को भी देखो, ये किसको रिलेट कर रहा है? ये है जे। क्या है ये लेटर? जे। तो अब जे से क्या शुरू होता है? ये देखिए यहाँ पे JAM, जैम लिखा हुआ है। ये एलिफेंट है जो ई से शुरू होता है। ये टाइगर है जो कि टी से शुरू होता है। तो हमें क्या करना है? जैम, JAM, जैम। तो ये किससे शुरू हो रहा है? जे से शुरू हो रहा है। तो इस पिक्चर को हमें सर्कल बना देना है।
नेक्स्ट पिक्चर्स भी देखिए, और ये के है, ये कैपिटल कर्सिव के है। के किसको रिलेट करता है? ये पैरट है, ये स्नेक है और ये कंगारू है। अब सबसे पहले तो देखो, क्या पैरट के से शुरू होता है? नहीं, पी से शुरू होता है। स्नेक एस से शुरू होता है। कंगारू वो किससे शुरू होता है? के से शुरू होता है। तो ये इसको रिलेट कर रहा है, तो हमें क्या करना है? कंगारू को सर्कल बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर है एल। एल देखो, यहाँ पर क्या बना हुआ है? टॉफी का पिक्चर बना हुआ है। ये लायन है और ये इंजन है। तो देखो, टॉफी टी से शुरू होगा, लायन एल से शुरू होगा और इंजन ई से शुरू होगा। तो सिंपल, एल किसको रिलेट कर रहा है? लायन को कर रहा है। तो हमें क्या करना है? लायन को सर्कल बना देना है। ये हमारा पेज नंबर 39 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोनों पेजेस को आप आराम से ध्यान से इन पिक्चर्स को देखो, इससे आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी, आपका स्पेलिंग भी ठीक होगा। तो इनको रीड भी करना है, खाली इसे सिर्फ इग्लू बोलकर आई लिख कर नहीं, इग्लू की स्पेलिंग भी रीड करके देखो कि क्या होती है। जार की स्पेलिंग सिंपल है, हम कर चुके हैं जूनियर के जी में भी, कैनल भी कर चुके हैं, मगर जो जो न्यू वर्ड्स आते जा रहे हैं उनकी स्पेलिंग को रीड भी करो, ताकि आप आगे जब ये कहीं पर आते हैं तो आप इनको रीड कर सको, ठीक है। अब इसके बाद हम पेज नंबर 40 पर चलते हैं। पेज नंबर ठीक, अभी इसमें है ड्रा लाइन्स टू मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स गिवन। अब यहाँ पे क्या करना है? ड्रा लाइन्स, हमको लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर पहले तो कुछ हमें पिक्चर्स हैं जो देखनी है, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो भी हमें देखना है, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें क्या करना है। अब सबसे पहले तो ये जो है आप देख लीजिए, ये जो स्माइली जो बनी रहती है, एंग्री वाली है, कैसी है? ये एंग्री फेस बना हुआ है। और ये क्या है देखिए आप, ये तो सिंपल आप पहचान पा रहे होंगे फेन, ये भी आप सिंपल पहचान पा रहे होंगे इरेजर, और इसे भी आप पहचान पा रहे होंगे डायनासोर। क्या है ये? डायनासोर। और ये क्या है? बी। सारी हो गई हमारी पिक्चर्स, एंग्री, डायनासोर, इरेजर, कप, फेन, और ये है बी। अब हमें क्या करना है? ड्रा लाइन्स टू मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स गिवन। यही है, जब आपको ये पिक्चर्स भी पहचान आएंगी और जब आपको इन स्पेलिंग्स भी आप ये रीड कर पाएंगे, तभी तो आप मैच कर पाएंगे। यदि आपको एफ ए एन फैन ही पढ़ना नहीं आता, तो आप उसको फैन से मैच कैसे करेंगे? इसीलिए लास्ट वाले पेज में हमने आपको बोला कि स्पेलिंग्स को भी रीड करो, ताकि जो आगे स्पेलिंग्स आ रही हैं उनको आप समझ सको। जितनी भी स्पेलिंग्स हैं उनको बार बार रीड करो। यदि जैसे एफ ए एन फैन तो बहुत ईजी है, मगर जैसे एंग्री, ये आपके लिए न्यू स्पेलिंग है, ए एन जी आर वाई, एंग्री, ये न्यू स्पेलिंग है। तो यदि जैसे हम भी आपको बता रहे हैं, तो आप उसको बार बार रीड करके देखो, ए एन जी आर वाई, एंग्री, ए एन जी आर वाई, एंग्री, ताकि आपको इसको रीड करना भी आ जाए। और फेस तो आप समझ ही पा रहे हैं कि ये एंग्री फेस बना हुआ है। कप की स्पेलिंग भी ईजी है, सी यू पी कप आप आराम से पढ़ पाएंगे, बी भी ईजी है, इसे भी पढ़ पाएंगे, इरेजर भी आपको थोड़ा टफ लग सकता है, तो इसकी स्पेलिंग को भी बार बार रीड करो। और न्यू वर्ड सीखो नए नए, ये ई से शुरू होने वाला हमने एक नया वर्ड सीखा है इरेजर। अब ई फॉर एलिफेंट और वो जो ईजी ईजी थे, एंड ई फॉर इरेजर और इस टाइप की चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर इरेजर न्यू वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आप इरेजर को अपने, अब इसमें वॉकेबलरी हमको ये जो है ई से एक नया वर्ड मिला है, ई आर ए एस ई आर, इरेजर, ठीक है। तो ये है इरेजर। उसके बाद है डायनासोर, ये है डायनासोर की स्पेलिंग भी आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो डी आई एन ओ एस ए यू आर, डायनासोर। तो हमें अब इनको क्या करना है? ड्रा लाइन्स, हमको ड्रॉ करनी है लाइन्स। जैसे ही सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले फेन के पास में फेन की लाइन को लेके जाना। ऐसे नहीं कि आप एक्साइट हो जाएं, कप मुझे पता है, कप की स्पेलिंग भी पता है, तो सबसे पहले कप को मैच कर दिया, नहीं, फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी, आपके कुछ जो हैं वो छूट जाएंगे, कुछ स्पेलिंग्स छूट जाएंगी। तो सबसे पहले फैन, ये एफ एन फैन, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये फैन। अब ई ए एन जी आर वाई, एंग्री, तो ये एंग्री फेस है, यहाँ से एंग्री फेस पर यहाँ पर आप ले आए, ठीक है। सी यू पी कप, कप को कप के पास लेकर जाइए।
ये है बी, बी को बी के पास वे लेकर जाइए, इरेजर, इरेजर को इरेजर तक लेकर आइए, डायनासोर, इसे डायनासोर के पास लेके जाइए। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीख लिए और इनको मैच भी हमने प्रॉपरली कर पाएंगे आराम से। यदि आप स्पेलिंग रीड करना सीख लिए तो बाकी सारा बिल्कुल इजी है। सबसे पहले किसी की हेल्प नहीं लेना है, हमने आपको रीड करके बताया है, तो आपको बार बार इनको रीड करना है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप मैचिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 41। इसमें भी देखिए क्या करना है, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द पिक्चर विद द नेम्स गिवन। यही सेम है जो आपका यहाँ पर है, वही यहाँ पर, यहाँ पर ए टू एफ था और यहाँ पर जी टू एल है। ठीक है, तो ये हमें फिर से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये किसका पिक्चर है, ये लॉक का पिक्चर है, ये काइट का पिक्चर है, ये जेम है और ये हैन है और ये गर्ल है और ये आइस है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, गर्ल, आइस, हैन, जेम, काइट, लॉक, सारे पिक्चर्स क्लियर हो गए। अब इनकी स्पेलिंग, सबसे पहले आप स्पेलिंग रीड करना, क्या आप ये सारी स्पेलिंग्स, इसमें सब स्पेलिंग इजी है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी स्पेलिंग आपको टफ लग सकती है, मगर फिर भी आप रीड करके देखो कि क्या आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। अब अगर आपको कौन सी पिक्चर समझ में नहीं आ रही है और कौन सा वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा है तो पहले उसे ठीक कर लो। यदि कोई पिक्चर समझ में नहीं आ रही है तो हमने बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए, गर्ल, आइस क्यूब्स होते ना, मम्मा आइस ट्रे में जमाती है रेफ्रिजरेटर में, तो ये आइस क्यूब्स है, तो ये क्या है, आइस, हैन, जैम, काइट, लॉक। आ गए समझ में सब पिक्चर्स, अब इनको रीड करते हैं, के आई टी ई, काइट, तो काइट को काइट के साथ में मैच कर लीजिए। ये है जी आई आर एल, गर्ल, हम फोर लेटर वर्ड्स कर चुके हैं ना, तो फोर लेटर वर्ड्स में ये आराम से आप इन सबको रीड कर पाएंगे। एल ओ सी के, लॉक, ये लॉक को, मम्मा कहीं जाते हो, आप कहीं जाते हो तो घर को लॉक करके जाते हो ना, तो ये लॉक। एच ई एन, हैन, तो यहाँ पर हैन। ये है जे ए एम, जैम, ये है जी। आई सी ई, आइस, आइस को आइस के पास। कंप्लीट, डन, पेज नंबर 41 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पेज नंबर 42 से शुरू करेंगे। आज बिल्कुल इजी सा है ये फोर पेजेस आपको, तो इनको आपको क्या करना है, सिर्फ जल्दी जल्दी मैच करके और जल्दी से इसको कंप्लीट करके दिन भर खेलना नहीं है। इन स्पेलिंग्स को आप लर्न करो, रीड करो, बार बार रीड कर लिया तो लर्न करो, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो और आप नए नए शब्दों को भी ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो आपको 41 तक आज कंप्लीट करना है, पेज नंबर 38 to 41 तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।